तो ये देखिए मेरे साथ। देख रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सबकी चहेती अदिति शुक्ला। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आप लोगों ने मेरे भाई की शादी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, वरना आपको ये व्लॉग समझ में नहीं आया होगा कि अचानक से ये क्या होने लगा। सो इसके पहले का आपने व्लॉग देखा होगा कि दुल्हन के बिना बारात क्यों वापस आ गई थी, ऐसा क्या हुआ था एंड दुल्हन कब आई है, मैं सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताती हूँ। सो हमारे यहाँ एक रस्म होती है, मतलब विवाह, मेरी भाभी का नाम है, तो उनके यहाँ भी सेम था कि शादी वाले दिन सेम डे विदाई नहीं करते लड़की की, तो इस वजह से दो दिन का गैप दिया था। एक्चुअली 14 को विदाई हुई थी, तो बारात दुल्हन के बिना आ गई थी एंड विवाह 17 को आई थी घर हमारे, जिसको हमारे यहाँ गौना कहा जाता है। तो वैसे तो पहले होता था साल अंदर तीसरे साल, बट अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इस वजह से दो दिन के बाद दुल्हन हमारे घर आई है। तो इस व्लॉग में आप लोग ये देखोगे कि हमने दुल्हन का कैसे वेलकम किया, किस तरह एंड उसकी मुंह दिखाई कैसे हुई, क्या क्या हमारे यहाँ हुआ दुल्हन के आने के बाद। सो चलिए मैं आगे क्लिप्स आप लोगों के लिए ऐड कर रही हूँ, सो आप लोग अच्छे से इंजॉय करिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि विवाह की तैयारी में उनकी ये लड़कियाँ लगी हुई हैं एंड फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं विवाह के लिए। ये नन्ही मुस्कान, मोनी, ये देखिए हमने फ्लावर्स वगैरह बिखेर लिए हैं, घर वर थोड़ा बहुत साफ कर दिया है। वो रही हमारी लड़कियां और आप देख सकते हैं विवाह के लिए हमने फूलों का रास्ता बनाया है। इधर ये हम दिए लगा रहे हैं, जब वो एंट्री करेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी एंड मैं आपको फाइनल अंदर का भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने लिखा है वेलकम विवाह एंड ये मैंने विवाह के लिए बेड लगाया है। आप लोगों को पता ही है कि अभी हम गांव में हैं, वैसे तो लखनऊ रहते हैं तो विवाह वहीं जाएंगी, बट दो तीन दिन यहीं रहेंगी, इस वजह से मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी है। देखिए हमने दिए वगैरह लगा दिए, अब ये है फाइनल लुक एंड ये रही विवाह की एंट्री, जिसमें विवाह आएंगी वॉक करके। और ये इधर हमने रख दी है आलता की थाली और ये देखिए आप, और ये यहाँ पे हमने विवाह के लिए रखा है कलश। तो गाइस आप देख रहे हैं हमारी भाभी आ गई है, जो दिख नहीं रही है अभी, कोई नहीं, थोड़ी देर में दिखेगी। और ये रहा मेरा भकाऊ भाई, मेरा भाई भी नहीं दिख रहा दिखेगा। और ये बाबू भी गई थी साथ में, वो भी वापस आ गई हैं। और ये हमारे सारे परिवार के लोग, और ये इधर विवाह का, ये इधर विवाह का सामान भी आ गया उनके साथ साथ, वो भी उतर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये उनकी विवाह की सासू माँ, जो कि थोड़ी ज्यादा ओवर एक्साइटेड है। आप ये मुस्कान, नन्ही, काजल, ये विवाह की तीनों बेटियां एंड सीरियसली इन तीनों ने बहुत मेहनत की आज, वरना मैं अकेले बिल्कुल ये सब नहीं कर पाती। तो ये देखिए मेरे सारे घर वाले रेडी होके खड़े हो गए हैं भाभी का स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। और ये देखिए दीदी ने, सारे बच्चों ने मिलके बहुत अच्छा डेकोरेट किया है सब कुछ। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ विवाह की आरती करने, और मेरी शक्ल पे मत जाइए। एक रस्म है, मैंने काफी टाइम से लड़के की शादी अटेंड नहीं की थी तो ये मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपनी भाभी के लिए बनाया था फूलों का रास्ता। बट उस फूलों के रास्तों पे भी आप देख रहे हो ये टोकरे टाइप के हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि इसी टोकरे में दूल्हा एंड दुल्हन मतलब अंदर एंट्री करते हैं घर के, जैसे जब नई दुल्हन आती है तो इसी में आती है। बट कोई नहीं, रस्में थी तो हमने ये भी किया, बहुत ज्यादा मजा आया एंड आप लोग ने भी, एंड अगर किसी और के यहाँ भी ऐसी रस्म होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा।
बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी दुल्हन को अंदर लाने के लिए, मतलब टोकरे पे टोकरे चेंज करने में सीरियसली हालत खराब हो गई थी। बट कोई नहीं, हमें भाभी मिली है तो इतनी मेहनत में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। अभी चली गई है, पर कोई नहीं, हम फोन की टॉर्च से काम चलाएंगे। एक छोड़ दो चीटिंग ना चले। एक हो गया विभावीन विभा करो सभी ना भैया ये बार जीत गए तो तुम जीत जाओगी, ये टाई है। ये लड़की आप देख रहे हैं 500 के लिए दौड़ गई थी, मिल गया फाइनली। हाँ, सो यहाँ पे विभा की मुंह दिखाई होने जा रही थी, तो सबसे पहले उसने कन्याओं के पैर छुए थे। एंड आप लोग देखिए बारी बारी सब लोग कैसे मुंह देखते हैं, एंड हमारी दुल्हन कैसी है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये विभा की सासू माँ आ गई हैं उनकी मुंह दिखाई करने के लिए, आप देख सकते हैं। मैं विभा ही बोलती हूँ इसलिए मैं विभा ही बोलूंगी। और ये दे रही, दिखाओ, ये दे रही है इनको चेन। गाइस आप देख सकते हैं कि ये किसी तरह पैसे मिला रही है, बहू का रुपया मारने के फिराक में थी। मम्मी के मुंह से दिखाओ, मम्मी इधर देखो। तो गाइस आप भी देख लीजिए हमारी विभा को, वैसे आप शादी के ब्लॉग में देख ही चुके हैं, आज फिर से देख लीजिए, शी इज लुकिंग सो प्रिटी। जाएगी तुम्हारे साइज वाइज तो मुझे तो पता नहीं था। ना घुस रही है गाइस। गाइस मैंने विभा की रिंग ली, मैंने अपने जान में बहुत बड़ी ली थी, लेकिन ये घुस नहीं रही है। गाइस फ्री फोकट, गाइस फ्री फोकट में छोटी वाली भी पायल पा गई है, आप देख रहे। तो गाइस सब कुछ करके दे दिया मैंने, तो मिश्रा जी हूँ जीत रहे हैं इधर। आप मिश्रा जी अपनी शक्ल दिखाइए। गाइस नई बहू के आने की खुशी में अभी होने जा रहे हैं थोड़े से भजन कीर्तन, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ का रिवाज है। तो ये हमारी मंडली बैठ गई है भजन कीर्तन वाली, वो रही हमारी बहू।
यहाँ भी हम लोग को एक कला दिखाने जा रही है, आप लोग देख लीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी देखिए गाइस, हमने विभा जी के वेलकम में ये किया था तो विभा आ गई है फाइनली। विभा जी इधर देखिए गाइस, उस बाल्टी को इग्नोर करिएगा पीछे। सो गाइस, ये हमने अपनी भाभी के लिए वेलकम केक मंगाया और यहाँ पे गांव में ऐसा ही केक अवेलेबल था तो मंगा लिया, क्या करता। और ये रही मेरी भाभी, ऊपर देख दो कैमरा आ रहा है। और ये हमारा भाई जो कि दिख नहीं रहा गाइस वीडियो में, क्या करें। भैया तू बैठो, थोड़ा इधर करो, फूके फूके। ताली बजाओ भाई। दुल्हन आने के नेक्स्ट डे थोड़े बहुत लोगों को खाना पीना खिलाया गया था तो यहाँ पे बन रहा था खाना, उसी में मैं अभी अपना हाथ साफ कर रही थी सब्जी वगैरह बना के। एंड इधर मेरी मम्मी जी राइस बना रही थी। सो गाइस, यहाँ पे विभा बना रही है गुलगुले। एंड ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जब नई बहू आती है तो उससे गुलगुले तो बहुत भर भर के पहले बनवाए जाते थे, लेकिन हम साथ ही बनवा रहे हैं। विभा इधर देखिए, नेक्स्ट डे मैं पूरी साफ सफाई करके आई थी, बट गाइस ये मजाक में था, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए झाड़ू लगा रही थी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों ने मेरे भाई के शादी के सारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, जो कि अब कम्प्लीटली अपलोड हो चुके हैं सारे के सारे, शादी, हल्दी, मेहंदी, शादी का घर, तिलक एंड दुल्हन के बिना बारात वापस क्यों आ गई एंड आज दुल्हन आई, वो व्लॉग सो आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले। एंड प्लीज सारी वीडियोस को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज कमेंट जरूर करा करिए आप लोग। इससे थोड़ा सा मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।